आमिर खान और फातिमा सना शेख की शादी को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी न्यूज की करतूत की खुली पोल। पिछले कई दिनों से आप बहुत सी रिपोर्ट सुन रहे हैं कि ये बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और दंगल गर्ल फातिमा सना शेख की शादी होने वाली है और आमिर खान अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद तीसरी शादी को अंजाम देंगे। रोजाना आ रहे इन्हीं दावों के बारे में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आमिर खान और फातिमा सना शेख से जुड़ी ऐसी खबर जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। दरअसल 24 दिसंबर को जी न्यूज ने इस हेडलाइन के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की। आमिर खान की तीसरी शादी से इरा खान हुई तंग। उन्होंने कहा ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल है। जी न्यूज ने बताया कि खान की बेटी इरा ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि उसके पिता की तीसरी शादी से वो डिप्रेशन में आ गई है। आर्टिकल में छपी फोटो में आमिर खान को बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख के साथ दिखाया गया है। उन्हें एक नवविवाहित जोड़े के रूप में चित्रित किया गया है। इस तस्वीर को इरा की आंसू भरी तस्वीर के साथ जोड़ा गया है। दो दिन बाद फ्यू न्यूज नाम के एक आउटलेट ने एक समान रिपोर्ट प्रकाशित की, जबकि ये वेबसाइट जी न्यूज की तरह मेन स्ट्रीम का न्यूज पोर्टल नहीं है। बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले कई फेसबुक पेजों ने इस रिपोर्ट को शेयर किया, जैसे आयत रहमान करीब 3 लाख फॉलोअर्स, सुमन 1.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स और सुमैया खान ओवर 1 लाख फॉलोअर्स। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फातिमा सना शेख के साथ आमिर खान की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। इस साल की शुरुआत में जून में आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 साल बाद तलाक की घोषणा की थी। तब से खान को नैतिक पुलिसिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। यह अभी तक एक और उदाहरण है जहां खान को उनके निजी जीवन के बारे में बेसुध दुष्प्रचार के साथ निशाना बनाया गया था। ऑल्ट न्यूज ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि ये एक मॉर्फ्ड इमेज है। ऑल्ट न्यूज को ओरिजिनल इमेज मिस मालिनी नामक वेबसाइट पर मिली। ओरिजिनल इमेज को 2010 में अभिनेता इमरान खान और अवंतिका मलिक के विवाह समारोह में शूट किया गया था। आमिर खान के बगल में महिला अवंतिका मलिक है। जी न्यूज ने एडिटेड इमेज का उपयोग किया है जिसमें न केवल आमिर खान को फातिमा शेख के बगल में दिखाया गया है बल्कि शेख के माथे पर सिंदूर को भी दिखाया गया है। ये तस्वीर इरा खान द्वारा इस साल की शुरुआत में अपने जन्मदिन पर अपलोड किए गए एक वीडियो से ली गई है। 4 मिनट के वीडियो में वो अपने जीवन में फिटनेस की कमी और पूरी तरह से सुस्ती पर चिंता व्यक्त करती है। वो अपने पिता के बारे में बात नहीं करती है। दरअसल हाल ही में 27 दिसंबर को इरा ने इंस्टाग्राम पर आमिर खान के साथ एक तस्वीर अपलोड की थी। सोशल मीडिया पर जी न्यूज की पोल पट्टी खुलने के बाद जी न्यूज ने गलत तस्वीरों को शेयर किया है। जी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट को एक फैक्ट चेक में बदल दिया और हेडलाइन दी, आमिर और फातिमा की वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई, क्या बेटी इरा वास्तव में परेशान हो गई? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को भी मॉर्फ किया गया है। ओरिजिनल इमेज को फोटोग्राफर मानव मंगलानी ने क्लिक किया था जिन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। खान के बगल में 2018 में आकाश अंबानी, श्लोका मेहता की सगाई में उनकी पूर्व पत्नी किरण राव है। तो आमिर खान और फातिमा सना शेख की शादी के दावे का खुलासा ये है कि जी न्यूज ने आमिर खान और फातिमा सना शेख की एक एडिटेड इमेज का उपयोग करके ये दर्शाया कि वे हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। न्यूज आर्टिकल ने आमिर खान की बेटी इरा द्वारा साझा किए गए एक असंबंधित वीडियो के स्क्रीनशॉट का भी इस्तेमाल किया जिसमें दावा किया गया था कि वो अपने पिता की शादी को लेकर उदास थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस साल की शुरुआत में किरण राव से तलाक के बाद खान ने दोबारा शादी नहीं की है। आमिर खान और फातिमा सना शेख को लेकर कथित दावे की सच्चाई पर लोग भी जी न्यूज के खिलाफ रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, शर्म मगर इन्हें आती नहीं, शेम शेम जी न्यूज इंग्लिश। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।